नमस्कार, वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आप देख रहे हैं लखनऊ सेंट्रल, जिसमें आज हम आपके पास फिर से लेकर के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल की खबरें। इस चुनावी माहौल में जहां ऐसा दिखने लगा है कि आने वाला चुनाव जो मार्च 2022 में होने की उम्मीद है, उसमें बाइपोलर चुनाव होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा तो खैर सत्ताधारी पार्टी है ही, और मेन ऑपोजिशन पार्टी के रूप में उभर रही है समाजवादी पार्टी। अब फिलहाल बड़ी इनइक्वल फाइट लगती है, क्योंकि एक तरफ है सत्ताधारी पार्टी जिसके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज का जितना भरपूर इस्तेमाल वो कर रही है शायद ऐसा बहुत कम देखा गया है। सब लोग करते हैं, लेकिन आज की डेट में ख़ास तौर से पब्लिसिटी को लेकर के एक तरीके से पब्लिसिटी का बम्बार्डमेंट हो रहा है। जी हाँ, सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले दो सप्लीमेंट्री बजट्स में मिला करके लगभग 650 करोड़ का एलोकेशन रखा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और यही नतीजा है कि आज जगह जगह चौराहों पे, सड़कों पे, अखबारों में, टीवी चैनल्स पे इस बम्बार्डमेंट को देखा जा सकता है। और ये बम्बार्डमेंट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें अध सत्य हैं और बहुत सी झूठ भी हैं। लेकिन जब आप किसी अर्ध सत्य या झूठ को बुरी तरीके से एक के बाद एक चलाते रहते हैं, तो देखने वाला सोचने लगता है कि शायद यही सच है, और यही उसी उद्देश्य से शायद ये किया जा रहा है। और आजकल बड़ी एक दिलचस्प तरीका इन्होंने अपनाया है, जो चौराहों पे जो होर्डिंग्स लगा रहे हैं उसमें ये क्लेम है। पहले 2017 से पहले क्या था और 2017 के बाद क्या हो गया, एक एक होर्डिंग देख करके ऐसा लगता है कि सरकार का कहने का ये उद्देश्य है कि आज की डेट में राम राज्य आ गया है। बात तो ये उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ की बात कर रहे हैं, क्योंकि काश ये सत्य होता कि वाकई में राम राज्य आ गया होता तो उत्तर प्रदेश अलग ही दुनिया होती। अब जैसे देखिए, होर्डिंग में इन्होंने दिखलाया है कि 2017 से पहले पैसे की बंदर बाट होती थी, उसमें दिखला रहे हैं एक लाल टोपी पहने कोई बैठा है जो अखिलेश जैसा लगता है, अखिलेश यादव जैसा, और आज की डेट में विकास ही विकास है, और बंदर बांट करने वाले लोगों को जेल भेजा जा रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार नाम की चीज़ समाप्त हो चुकी है, जो कि हकीकत नहीं है। ये वही मान सकता है जिसको अंदाजा नहीं हो, जिसके आंख में पट्टी बंधी हो और कान से भी उसे सुनाई ना देता। दूसरी होर्डिंग है कि 2017 से पहले महिलाएं निकल नहीं सकती थी घर से, बंद रहती थी क्योंकि बहुत असुरक्षा थी, और जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम करते थे उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। उसमें उन्होंने याद दिलाई एक बहुत पुराना मुलायम का स्टेटमेंट था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, उस तरह के केसेस में जहां हीनियस क्राइम्स हो महिला के खिलाफ, बहुत गलत स्टेटमेंट था, बहुत साल पहले मुलायम ने दिया था, लेकिन आज उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बताने के लिए कि साहब देखिए कितनी असुरक्षित थी। और आज की डेट में तो दिखाया है पुलिस हाथ जोड़े महिला के सामने खड़ी है कि बताइए हम आपकी कैसे सेवा करें, सुरक्षा ही सुरक्षा है। ये कितना झूठ है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को मालूम है कि ऐसी स्थिति सिर्फ सपने में देखी जा सकती है, और इसके ज़रिए से ये चाह रहे हैं कि पर्दा डाल दें ऐसे सत्य पे जो हमने पिछले गुजरे हुए सालों में यही 2017 और 22 के बीच में देखा है। यानी कि जिस तरह उन्नाव में जिस तरह से किया गया था, और उन्नाव में एक बीजेपी के एमएलए ने गैंग रेप किया एक महिला के साथ, और उसके जब बड़ी मुश्किल से वो मीडिया में जब हाईलाइट हुआ और उसको पकड़ा गया,
पकड़ा गया, उसके खिलाफ FIR हुई। उसके बाद वो खुले हम लखनऊ में घूमता रहा, वो सिटिंग MLA था BJP का, और उसको प्रोटेक्ट करने का कोई ऐसा प्रयास नहीं था जो सरकार द्वारा ना किया गया। वो लखनऊ में घूमता था और सरकार कहती थी वो फरार है, अरेस्ट नहीं हो पा रहा है। फाइनली अरेस्ट तब हुआ जब हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया और हाई कोर्ट ने सरकार की लताड़ लगाई, और उसके बाद सरकार कहने लगी देखिए हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, हमने अपने पार्टी वाले को अरेस्ट कर लिया। अरे भैया अरेस्ट करना था तो पहले ही कर लेते, कोर्ट के आदेश का क्यों इंतजार कर रहे थे, कोर्ट की झाड़ का क्यों इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये शो किया जा रहा है कि पहले तो राम राज्य था, आ गया 2017 में। उसी राम राज्य में हाथरस कांड होता है। हाथरस में जहां रेप के बाद जो लोग रेप में इन्वॉल्व थे उनको सरकार ने जिस तरीके से पुलिस ने प्रोटेक्ट किया वो सबने देखा। फिर जब उसको उस लड़की को रात को सरकारी तंत्र द्वारा रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई, पहले तो अस्पतालों में भेजा गया जो मजबूरी में भेजना पड़ा, फिर उसको ला करके वो वहाँ के जिला अस्पताल से होते हुए हाथरस से अलीगढ़ पहुँची, अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज से दिल्ली में भेजी गई, और दिल्ली में जब वो उसका उसने अंतिम सांसें ली उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर के लाए, और 2:30 बजे रात को पुलिस ने पूरा कॉर्डन ऑफ करके जला दिया उसको। घर वाले रोते पीटते रहे, उनको शामिल नहीं होने दिया, और बाद में फिर झूठ शुरू हो गया कि नहीं साहब घर वाले मौजूद थे उस शमशान घाट में, जबकि ये दृश्य एक यंग महिला पत्रकार ने शूट किया। अगर इस महिला पत्रकार ने इतनी रिस्क लेकर के जहां पुलिस ने पूरा एरिया घेर रखा था और पत्रकारों को घुसने नहीं दिया जा रहा था जिस तरीके से उसने शूट किया बहुत काबिले तारीफ है, और अगर नहीं किया होता तो ये चीज़ पे पर्दा ही पड़ा रहता, किसी को पता नहीं लगता कि क्या किया सरकार ने, और सरकार डिनायल मोड में थी, बराबर यही कहती रहती कि कुछ नहीं हुआ। वो तो यही मानने को तैयार नहीं थे कि गैंग रेप है, जैसे कि उन्नाव के केस में भी नहीं मानते थे। ये पूरा कांड एक्सपोज हुआ, और इसमें भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी लथाड़ पड़ी, तब जाके सरकार हरकत में आई, चीफ जस्टिस तक ने इसका सीरियस कॉग्निसेंस लिया। फिर उसके बाद सरकार कहती हमने कार्रवाई देखिए कर दी, हम तो किसी को नहीं प्रोटेक्ट करते। वहां के DM ने भरपूर प्रयास किया था कि किसी तरीके से FIR भी ना लॉज हो, परिवार को तरीके से धमकी दी कि तुम लोगों को यहीं रहना है, सोच लो आगे चल के। इस तरीके की चीज़ें सरकार द्वारा की गई। उसके बाद लखीमपुर का तो हाल का इंसिडेंट है, सबको मालूम है किस तरीके से रौन दिए गए किसान जो वापस जा रहे थे आंदोलन के बाद, और रौनने वाले में शामिल था देश के गृह राज्य मंत्री का पुत्र आशीष मिश्रा, जिसको सरकार ने अगेन कोई कसर नहीं छोड़ी प्रोटेक्ट करने, और फिर बाद में कहा देखिए हमने कार्रवाई कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको झिझोड़ा तब हरकत में आए। ऐसे ही इंसिडेंट गोरखपुर में हुआ जो मुख्यमंत्री का होम टाउन है, और वहां पे एक दरोगा ने एक यंग ट्रेडर को जो इत्तेफाक से BJP का सपोर्टर था, जो कानपुर से वहां गया था अपने बिजनेस के काम के लिए, उसको एक्सटॉर्शन करने के उद्देश्य से जाके होटल में मार मार के जान ले ली उसकी। ये सारे इंसिडेंट्स पे, ये तो सिर्फ 4 उदाहरण दे रहा हूँ, इसके अलावा बहुत कुछ क्राइम वैसा ही होता है जैसा अखिलेश यादव या दूसरी सरकारों में होता रहा है, लेकिन सरकार ये दिखा रही है कि साहब पहले गुंडे और दंगाई राज करते थे, आज दंगाइयों को और गुंडों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। ये बाकायदा होर्डिंग्स लगी हुई हैं। ये झूठ का अंबार जिस तरीके से खड़ा किया गया है, और किस बूते पे, कि सरकार के पास सारी मैकेनिज्म है, पैसा है, उसके जरिए से पब्लिसिटी।
एंड मोर पब्लिसिटी हर मीडियम में। और यही कारण है कि आज की डेट में अखबार और टीवी चैनल्स मजबूर हो गए हैं, उनको मजबूर कर दिया गया है इस पैसे के बम्बार्डमेंट से कि वो वही दिखाएं जो सत्ताधारी पार्टी चाहती है। ऑपोजिशन की खबरें छोटी छोटी छपती हैं अंदर के पेजेस में, फ्रंट पेज पे बड़ी मुश्किल से दिखती है, पर छपती भी है तो बहुत सिंगल कॉलम में भी छोटे ऐसा सिंगल कॉलम, और सरकार ने कुछ भी किया हो वो बहुत बड़ा बड़ा फ्रंट पेज पे हेडलाइंस होती हैं। ये इस झूठ के अंबार के ज़रिए से और अर्धसत्य के अंबार के ज़रिए से जो सरकार करना चाह रही है वो लोगों को चाह रही है कि हकीकत से दूर ले जाए और वो मजबूर हो जाएं कि जो सरकार द्वारा परोसा जा रहा है उसी को सच मान लें, चाहे वो कितना भी झूठ हो। किस तरीके से आप देखिए, यही तरीका अपनाया गया कोरोना के मिसमैनेजमेंट को ढाकने के लिए। सबने देखा किस तरह लोग ऑक्सीजन के अभाव में मरे, अस्पतालों में जगह नहीं होती थी, ऑक्सीजन के लिए लोग लंबी लंबी क्यूज लगाते थे, दूर दूर से महिलाएं बुजुर्ग सिलेंडर घसीट घसीट के ला रहे हैं कि किसी तरह से उनके परिवार के लोग जो सफ़र कर रहे थे कोरोना से सेकेंड फेज में पर्टिकुलरली वो बच जाएं। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ने बाकायदा अनाउंस किया कि उत्तर प्रदेश से बढ़िया कोरोना मैनेजमेंट देश में कहीं नहीं हुआ। बाकायदा खूब जोर शोर से बात बोली जाती है और जोर बार बार बोली जाती है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में गवर्नमेंट ने बाकायदा सवाल के जवाब में कह दिया कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के दौरान कोई मौत नहीं हुई। ये सरकार ये कर रही है और उम्मीद कर रही है कि इसको लोग आराम से डाइजेस्ट कर लें और इन्हीं की बात पे विश्वास करें और समझ लें कि आज से बेहतर कभी भी उत्तर प्रदेश में कोई भी शासन रहा हो, किसी सरकार रही हो, इससे बेहतर कभी नहीं रही। ये जो टेंडेंसी है, ये जो बातें हैं, ये उसी तरीके की दिखती हैं जो हमने कभी डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी में देखी है कि वन साइडेड कैंपेन और झूठ पे झूठ क्लेम, और उन क्लेम्स के ज़रिए से सरकार सोचती है कि हमारी सत्ताधारी पार्टी की नैया पार लग जाएगी, क्योंकि लोगों की आंखों में धूल झोंकना कोई मुश्किल काम नहीं लगता उन्हें। ये तो अभी देखते जाइए आगे और क्या क्या होता है, लेकिन अभी तक बड़ा जिस तरीके का ये जो होर्डिंग वाला कैंपेन चल रहा है और इसमें बार बार ये एक जो एक तरफ ये दिखाना कि क्राइम बहुत ख़त्म हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर में वर्ल्ड ऑफ अ चेंज आ गया है, और दूसरी तरफ कि विकास विकास और विकास भी हो रहा है ये दिखा रहे हैं, तो उसमें भी ये कहना कि 2017 से पहले कोई विकास ही नहीं हुआ वैसा ही सत्य है और अर्धसत्य है जैसा कि कंगना रनौत ने कहा था कि देश को तो आज़ादी असल में 2014 में मिली। ये वो लोग ज़रूर बिलीव करेंगे इनकी उत्तर प्रदेश सरकार की इस और सत्ताधारी पार्टी की ये बातें जो आज इन पब्लिसिटी के ज़रिए से फैलाई जा रही हैं। तो कैसे इसको सत्ताधारी पार्टी सोचती है कि लोग मान लेंगे, उन्हें शायद ये उम्मीद है कि सारा देश और प्रदेश खास तौर से उनका भक्त हो चुका है और जैसा चाहेगी जनता को मोल्ड कर लेगी, जनता की अपनी सोच है ही नहीं, ऐसा ये लगता है कि वो यही सोच करके इस बात को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अभी हमने देखा है कि किस तरीके से सरकार की ये जो पब्लिसिटी थी कि देखिए हम फ्री राशन दे रहे हैं, और बाकायदा राशन देने के साथ साथ उन थैलों में नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की फ़ोटो भी छपती थी जिसे बताने के लिए कि भाई इन्हें दिया। वैक्सीन को लेकर के
मुफ्त वैक्सीन, प्रधानमंत्री को धन्यवाद मुफ्त वैक्सीन देने के लिए। ऐसा लगता है कि इससे आज से पहले वैक्सीन के पैसे देने पड़ते थे किसी को। आज तक मुझे मेरी नॉलेज में आज़ाद भारत में या उससे पहले कभी भी वैक्सीनेशन के लिए किसी से सरकार ने, कोई भी सरकार रही हो, पैसे नहीं चार्ज किए। ये सरकार का दायित्व है करने का। और सरकार ने ये भी किसी ने कोशिश नहीं करी बताने की कि भाई आप धन्यवाद दीजिए हमें कि आप जिंदा हैं। ये इस तरीके का, अब आप लेटेस्ट एक और देख लीजिए, पब्लिसिटी की बात क्योंकि मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि लेटेस्ट है कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह आते हैं आजकल ज़्यादा, प्रधानमंत्री और अमित शाह स्वयं खुद लीड करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो काफ़ी उनके विजिट्स हो रही हैं और इलेक्शन है तो जाहिर है आने चाहिए। और लेकिन लेटेस्ट जो अमित शाह ने कहा कि कोई ताकत नहीं रोक सकती अयोध्या का मंदिर बनवाने से, और कोई कितनी कोशिश कर ले मंदिर बनेगा। अरे भैया, किसने कोशिश करी ये तो बताइए, किसने कहा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? आप स्वयं नैरेटिव बिल्ड करते हैं, डिस्कोर्स बिल्ड करते हैं फिर झूठ पे, क्योंकि किसी ने नहीं कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जनाब, अयोध्या का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के आदेश से नहीं बन रहा है। तो क्यों उसमें कौन विरोध करेगा, क्यों करेगा और कैसे कर सकता है? लेकिन आपको ये नैरेटिव बिल्ड करना है, लोगों में ये झूठ फैलाना है कि देखिए मंदिर लोग बनने नहीं दे रहे थे लेकिन फिर भी हमने बन पाया। ये झूठ पे झूठ कब तक, कहां तक, ये है हमें देखना है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता ना तो अंधी है ना बहरी है, और जनता के दिमाग भी है, वो स्वयं देख लें और देखेंगे कि सत्य क्या है, अर्ध सत्य क्या है और झूठ क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।